बदल दिया था, ये काटने के काम आएगा, अभी काटेंगे, ये तब्दील बदलेगा, तय कर लेंगे लोग, तय कर लें ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है, कलम का रास्ता ही सही है। और एक बात और कहेंगे आज सब साथियों आपसे, कि जो जिन लोगों ने चोले बदल कर समाजवाद को धोखा दिया, हमारे जैसे नेक दिल लोगों को धोखा दिया और समाज को बर्बाद किया, ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं होना चाहिए। और हर वो छुपा और खुला दुश्मन जो हमारी सबों में है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अपनी सबों से निकालना शुरू करेंगे। हमें आज के दिन का इंतजार था, हम इस संकल्प के साथ ये भी संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर की छुपी हुई काली जड़ों से अपने आप को और आपको सबको निजात दिलाने की कोशिश, और चाहेंगे हम कि जो लोग धोखा देकर झूठ बोलकर अपने चेहरों को की स्याही पर सफ़ेदी लगाकर समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों को निकाले नहीं, ठोकर मार कर निकाले, क्योंकि उससे छोटा नहीं बड़ा नुकसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो नतीजे आए और फाशिस्ट आंदोलन ने जिस तरह से समाजवादी विचारधारा को नुकसान पहुँचाया, हम सबको उससे सबक लेने की जरूरत है, उसके कारणों पर हमें और डरने की जरूरत है, और डरने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि शायद हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी मौका होगा। अगर घर के बेटी घर में रहे और रमज़ान शरीफ में जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं वो समाज में बैठकर नाश्ता करते हैं, वैसे लोग स्वीकार्य नहीं होंगे, चाहे वो कितने ही बड़े उद्योग क्यों ना हो। जो लोग देश की दूसरी आबादी को अपमानित करने वाली बात करते हों, उनको जलील और रुस्वा करने वाली बात करते हों, अपनी सभाओं में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होंगे।